गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास 8 इंग्लिश मीडियम। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 4, क्रिएटिंग चार्ट्स इन स्प्रेडशीट, पेज नंबर है आपका 47। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एडिंग चार्ट टाइटल एंड एक्सिस टाइटल। आज हम बात करते हैं आप किस प्रकार अपने चार्ट में किसी चार्ट टाइटल को जोड़ कर सकते हैं या एक्सिस टाइटल को ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं चार्ट टाइटल, ये चार्ट टाइटल होता क्या है। चार्ट टाइटल गिव्स एन आइडिया अबाउट द टॉपिक ऑफ द चार्ट। देखिए, जो चार्ट टाइटल है वो हमें बताता है कि जो हमारा टॉपिक है किसी भी चार्ट का वो क्या है, किस तरह का आपका टॉपिक है, चार्ट क्या बताना चाह रहा है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे। यू कैन एड द टाइटल टू योर चार्ट टू मेक इट मोर मीनिंगफुल। इससे होता है क्या है, आपका जो चार्ट है वो अधिक क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल, यानी आसानी से आपको पता चल जाएगा कि चार्ट क्या कहना चाह रहा है, किस बारे में बात वो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखो एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है, एडिंग चार्ट टाइटल। तो मुझे पता है कि आज हम क्या पढ़ेंगे, चार्ट टाइटल के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही क्या है, आपका एक एग्जाम्पल है चार्ट टाइटल का, कि आप चार्ट टाइटल में बता सकते हैं आप किस तरह का चार्ट आप पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आपको इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ध्यान से देखिए। क्लिक ऑन एन एम्प्टी एरिया ऑफ ए चार्ट, जो भी आपने चार्ट पहले से बनाया हुआ है एमएस एक्सेल के अंदर, आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं पर भी आप क्लिक कर दोगे विद द हेल्प ऑफ माउस। क्लिक ऑन लेआउट टैब, उसके बाद आपको जो मेन्यू बार में क्या ऑप्शन है, आपका लेआउट टैब है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपने उसके ऊपर क्लिक किया, आपको क्लिक करना है चार्ट टाइटल, एक ऑप्शन आएगा चार्ट टाइटल के ऊपर, आपको क्लिक करना है सेलेक्ट एन ऑप्शन, आपको ऑप्शन भी सेलेक्ट करना है। ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आपको जो है कहाँ रखना है, आपको ऊपर ले जाना है, क्योंकि हमेशा जो टाइटल होता है वो किसी भी पेज के हमेशा ऊपर होता है, उसको हम हेडर के रूप में भी कह सकते हैं, जो हेडर होता है हमेशा हेड यानी ऊपर, तो ऐसे जो टाइटल है वो कहाँ होता है, हमेशा ऊपर होता है किसी भी पेज के ऊपर। रिप्लेस द टेक्स्ट, उसके बाद जो भी वहाँ पे पहले से मौजूद था, आपने लिखा हुआ था, आप उसको क्या कर सकते हो, चेंज आप उसको कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कोई पहले से चार्ट बना हुआ था और ये क्या है आपका चार्ट टाइटल है, आपने कुछ भी डाला हुआ है, और मैंने अगर ये स्टेप्स फॉलो किए हैं, उसके बाद मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे सैलरी, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा आपका सैलरी टाइटल। क्लियर स्टूडेंट्स, ये होता है किसी भी चार्ट के टाइटल को चेंज करना। ये कुछ बच्चों के नाम है और ये क्या है, उनकी सैलरी दी हुई है, तो हमें पता चल रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सैलरी के बारे में। क्वेश्चन है यहाँ पे, कैन यू रीसाइज द चार्ट, क्या आप किसी भी चार्ट का जो साइज है, उसका जो आकार है, क्या आप वो छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको बताना है, रीड करना है पेज नंबर आपका 47 और क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। आज के लिए इतना ही है, कल हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।